असलम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो तरह तरह की केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया केक मैंने आपके साथ बना के शेयर किया है फ्रेंड्स। ये टी केक की रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही उमदा किस्म का हमने ये केक बनाया। बहुत जल्दी इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग केक बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। कभी कभी केक बढ़िया से राइस नहीं हो पाता, कभी लाइट चली जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से उतर जाती है जिसकी वजह से हमारा केक खराब होने लगता है। तो ऐसी स्थिति को किस तरीके से हम इस स्टेज को मैनेज करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे और आपको एक परफेक्ट केक बना के हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा और साथ में लगे हुए बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूरा कुकिंग में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जब आप केक बनाने लगे तो जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसको आप लोग सामने रख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें हम केक के साथ अंडे के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमने 3 अंडे का यूज़ किया है। तो जब भी आप अंडे को यूज़ करें तो फ्रेंड्स एक एक अंडे को एक कटोरी में इस तरीके से आप कर लें ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमको पहले से ही पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके इसे आप एक बड़े बाउल में इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लें फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हाफ कप हमने फ्रेंड्स इसमें हमने शुगर लिया है। तो ये चीनी को हमने बस पीस करके इसमें ले लिया था। तो इसमें 2 टेबलस्पून हमने और डाला, तो हाफ कप और 2 टेबलस्पून हमने ये लिया था। आप आइसिंग शुगर का भी यूज़ करते हैं, कर सकते हो, लेकिन हमने घर वाली चीनी को मिक्सर में पीस दिया था। अब इस वक्त हम ब्रेटर नहीं चलाएंगे फ्रेंड्स, हैंड विस्कर से इसको थोड़ा सा हम इसको बीट कर लेंगे, इसलिए कि अभी हम मिलाएंगे तो ये पाउडर शुगर पूरे में फैल जाएगी। थोड़ा सा बीट करने के बाद फ्रेंड्स हम इस पर मशीन चलाएंगे, और मशीन को तब तक चलाएंगे फ्रेंड्स जब तक कि हमारा केक बहुत ही बढ़िया से मतलब अच्छे से ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। तो इसके स्टेज मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, अगर आपके पास मशीन नहीं है फ्रेंड्स तो हैंड विस्कर की मदद से आप इसे कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट में फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया से ये हमारा ये फट जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल ये लाइट वे में हो गया है फ्रेंड्स। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो इस स्टेज तक हमको अंडे को फेंटना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्पैचुला से हम इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि अब इसमें फेन बहुत ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स हमने एक छन्नी लिया है, छन्नी में हमने 1 कप ये मैदा लिया था। मैदे को हम छानना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसको छान के आप यूज़ कीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स हम आपको मेज़रमेंट में ही बताएंगे, क्योंकि बेकिंग का कोई भी काम मेज़रमेंट में करेंगे तो ही बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। तो केक बनाने के लिए तो हमें ख़ासतौर पर मेज़रमेंट पर बहुत ध्यान देना है। तो अच्छे से फ्रेंड्स हमने इसको छान लिया है। छानने के बाद इसको हमने स्पैचुला की मदद से फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे हैंड विस्कर से फ्रेंड्स। इस तरीके से थोड़ा सा जो झाग इसकी बन गई थी तो वो नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो आप लोग नहीं करोगे। हमने यहाँ पर ऑयल नहीं डाला था, जबकि हमको ऑयल डाल के ही इसको बीट करना था। तो हमने आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 टीस्पून और ये 1/4 टीस्पून, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया। तो बेकिंग सोडा का अंडे वाले में बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम टी केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमें क्रिस्पी चाहिए, इसलिए हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया। अब इसमें हमने 1/4 कप के करीब फ्रेंड्स हमने इसमें 1/4 कप हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं मिक्स होगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से ये लुगदी फॉर्म में आ गया। तो हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा दूध डाला फ्रेंड्स। दूध डाल करके हमने इसको बहुत लो स्पीड में हमने बीटर को चलाया। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर से बहुत लो मतलब हाथ से हल्के हाथ से इसको चला लीजिएगा। थोड़ी देर बाद इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, क्योंकि हमको मार्केट जैसा बनाना है तो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे, इसलिए हमने थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून के करीब फ्रेंड्स हमने इससे वनीला एसेंस लिया है। आप एसेंस लेमन एसेंस भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें अंडा मिला है फ्रेंड्स, तो इसमें वनीला एसेंस या लेमन एसेंस डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो वनीला एसेंस
नट्स का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने हाफ टी स्पून के करीब कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने इसमें 2 टीस्पून फ्रेंड्स हमने इसमें विनेगर मिलाया है। तो विनेगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत से लोग दही का यूज़ करते हैं तो उससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा, लेकिन हमने इसमें 2 टीस्पून विनेगर मिलाया। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ हमें घबरा गई थी, जो नई उम्र की हमारी बच्चियाँ जो शुरू में बेकिंग कर रहे हैं उनसे इस वक्त नहीं संभलेगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है। तो देखिए बेहतर कंसिस्टेंसी में ये हमारा केक का डो तैयार हो गया। इधर फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी चेरीज लिया है, तो हमारे पास चेरी 2 कलर की है, रेड और ग्रीन कलर की। तो चेरी का जो टेस्ट होता है वो टी केक में बहुत ही उम्दा आता है, क्योंकि सारी चेरी ऊपर ये आ जाती है और उसके बाद ये केक में जब ये थोड़ा सा सिकती है तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है फ्रेंड्स। तो एक हमने 7 इंच का इसमें हमने केक टिन लिया है फ्रेंड्स, और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हमने ऑयल डालकर अच्छे से इसकी ग्रीसिंग कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चौतरफा ऑयल की ग्रीसिंग कर लीजिएगा, इससे हमारा केक जलने नहीं पाता। इसके बाद फ्रेंड्स हमने स्क्वायर शेप में ही हमने बटर पेपर लिया था, उसको हम अच्छे से फ्रेंड्स इस तरीके से जमा देंगे। देखिए बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, ये अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम सारे जो हमने लिक्विड डो बनाया है, बस इसको देखिए ये कितना बेहतरीन कंसिस्टेंसी में बना है। देखिए रनिंग फॉर्म में ये आ गया है, तो इस तरीके से ये हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने केक के बैटर को संभाल लिया। तो आप लोगों के साथ कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स। जब भी इस तरीके की रेसिपी आप बना रहे हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और उसके बाद सामने रख करके आप इस तरीके से बनाते जाइएगा, तो कभी आपसे ये गलती नहीं होगी। इसके बाद अच्छे से फ्रेंड्स हमने इसको टैप कर लिया इस तरीके से, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स हो अच्छे से निकल जाए। थोड़ा सा फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है, और डस्ट करने के बाद इस तरीके से हम इस चेरीज़ को इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, चेरी सब जगह आ जाएगी। सिर्फ बहुत से अक्सर ऐसा होता है ना कि चेरी नीचे बैठ जाती है, तो बैठने नहीं पाएगी। इसका बहुत ही बढ़िया, इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि चेरी चौतरफा फैल गई थी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई थी फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसको टैप कर लिया है, चेरी सब जगह हमारी पहुंच जाएगी इस तरीके से फ्रेंड्स। अब देखिए बेकिंग के लिए हम चलते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज हम जो बेकिंग करेंगे फ्रेंड्स, वो 2 केक हम एक साथ करेंगे। तो एक दूसरा केक हमने इधर बना के रखा है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल है, इसमें हमने कुछ चीज़ें और भी ऐड की है फ्रेंड्स, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये भी रेसिपी जल्दी मैं अपने चैनल पर लोड कर दूंगी, लेकिन फ्रेंड्स इस वक्त वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 केक की रेसिपी मैं एक वीडियो में नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत जल्दी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही उम्दा किस्म का केक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमारे चैनल पर ये आपको मिल जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, और इस केक को मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि गिफ्टिंग के लिए शाम को मुझे इसे किसी को गिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इधर हमने माइक्रोवेव ओवन लिया है, तो हमारा कन्वेक्शन वाला है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग में परेशानी होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि इधर थोड़ा सा बिजली का बिल बचाया जाए, क्योंकि हम लोग यूपी साइड में इधर बिजली बहुत महंगी है। तो हमने 2 केक एक साथ सेकने का इरादा किया, अगर करेंगे नहीं फ्रेंड्स तो आएगा नहीं, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया, 180 सेंटीग्रेड पर हमने इसको फिर अच्छे से फ्रेंड्स हमने इसको 30 मिनट तक के लिए इसको हमने सेट किया। 30 मिनट के बाद फ्रेंड्स ये हुआ नहीं, तो हमने इसको थोड़ा सा इसके साइडों को चेंज कर लिया, ऊपर नीचे कर दिया एक दूसरे को, इस तरीके से हमने इसको मैनेज करके जो केक ऊपर था उसको नीचे रख दिया, और नीचे वाले केक को हमने ऊपर रख दिया। तो इसमें थोड़ा सा जो हमें केक बना रही थी इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स ये अच्छे से नहीं सीख पाया था, जबकि नीचे वाला जो हमने सबसे ऊपर रखा था वो बहुत ही बढ़िया से सीख गया है। तो 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स हम इसको और रखते हैं अंदर से, ताकि बढ़िया से हमारा सीख हो जाए। तो फ्रेंड्स 35 मिनट के लिए टोटल हमने इसको रखा है, इसके बाद हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये बहुत जल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स टूथपिक की मदद से फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको देखते हैं, वुडन स्टिक डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैंने इसे निकाला तो थोड़ा सा इसमें जो केक का मटेरियल लगा था तो ये बढ़िया से नहीं हुआ, बल्कि जो हमने सबसे ऊपर रखा था उसको बाद में मैंने नीचे किया, इसको मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए ये 35 मिनट में बहुत ही बढ़िया से राइस हो गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही परफेक्ट हमारा केक सिका है, जो ऊपर वाला था फ्रेंड्स इसको हमने फिर से इसमें रखा है। तो 5 से 7 मिनट इसको आप फिर से रख दीजिएगा, और इसके बाद इसकी देखिएगा तो तकरीबन 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया से राइस हो गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 35 मिनट तक हमने जिसमें मेवा लगा हुआ है उसको हमने 35 मिनट तक सेका, और इस वाली रेसिपी को फ्रेंड्स 5 मिनट मैंने और सेका, तो ये तकरीबन 40 मिनट में ये हमारा केक बन के तैयार हुआ। तो नॉर्मली केक 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता फ्रेंड्स, लेकिन हमने जो मतलब लाइट की प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से इसको हीट नहीं मिली, तो
5 मिनट इसमें ज़्यादा लगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं। आगे पीछे हम देख करके इसको चेक कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे भी ये टी केक थोड़ा क्रिस्पी हमको बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर की लेयर इसकी बहुत ही क्रिस्पी रहती है और अंदर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स हमने इसको निकाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने बटर पेपर को रिमूव कर दिया। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये रिमूव हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा केक ठंडा हो गया तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया स्पंजी जालीदार बन के तैयार हुए। इसकी खासियत ये है फ्रेंड्स कि ये ऊपर की जो लेयर है बहुत ही क्रिस्पी है। इसमें मैंने अच्छे खासे मेवे बादाम इसमें डाल रखे हैं और ये बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन के तैयार हो रहा। दूसरे वाले केक को मैंने सिंपल रखा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस थोड़ा सा नाइफ से आप इसमें थोड़ा सा लगा दीजिएगा नाइफ, ताकि आसानी से ये निकल जाए। इसके बाद फ्रेंड्स बटर पेपर को भी हम आसानी से रिमूव हो जाता है। तो इसको भी हम आसानी से रिमूव कर रहे हैं। अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से इसको मैं पलट के दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही बढ़िया स्पंजी बना हुआ है। तो इस केक को सेकने में मुझे तकरीबन 40 मिनट लगा था। वो फ्रेंड्स जो टेम्परेचर की वजह से हुआ, अगर अच्छे से आप टेम्परेचर सेट कर दोगे तो ये बढ़िया से राइस 35 मिनट में हो जाएगा। बहरहाल मेरा दोनों ही केक बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही उम्दा किस्म का हमने ये केक बनाया है। इस केक को फ्रेंड्स मैंने गिफ्टिंग के लिए मैंने बनाया है, तो शाम को मुझे इसे गिफ्ट करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया किस्म का केक है फ्रेंड्स। इसको मैं आपको बहुत जल्दी अपने चैनल पर लोड कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कितना स्पंजी है, कितना ये जालीदार है और सॉफ्ट। तो और ये बहुत है, इसकी सॉफ्टनेस भी मैं आपको दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स। इसकी जाली को भी आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको मैं किनारे रखती हूँ। अब मैं आपको दूसरा केक कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए अच्छा दूसरा केक मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इतना बढ़िया है कि यार दिल ही नहीं कर रहा है इसको हटाने का न कट करने का। इधर दूसरा वाला केक है फ्रेंड्स, इसको भी हम कट करके ये आपको दिखा रहे हैं। और ये केक मैंने डिज़र्ट के लिए बनाया है फ्रेंड्स। बहुत जल्द मैं इस केक से आपको डिज़र्ट की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सस्ता है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ा और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना ये स्पंजी फॉर्म में बना है। इससे बहुत ही बढ़िया जाली रिलीज़ हुई है और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुलायम ये बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग इस तरीके की केक की रेसिपी देखने के लिए चैनल पर हमारे विजिट करें, वहाँ बहुत सही रेसिपीज हमने डाल रखा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जो मैंने चेरीज डाला था ना, वो सारी जगह फ्रेंड्स इसकी फैल गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर हो या नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही स्मूथली फ्रेंड्स ये कट हुआ जा रहा है। और कभी भी जब आप केक कट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसको खुला कभी भी मत कीजिएगा। इसको फौरन आप चॉपर से ढक दीजिए या किसी कपड़े से ढक दीजिए। इसके बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रेंड्स इसे आप रख दीजिएगा, तो ये कभी भी आपका केक के जो टाइट नहीं होने पाएगा। ऐसे ही सॉफ्ट के सॉफ्ट बना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको तोड़ के भी इसे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी इसकी चेरीज देखिए सब जगह फैली हुई है और बहुत ही मुलायम है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी तो ये केक बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। एकदम मुंह में घुल जाएगा और आप वाह कहने पर मजबूर हो जाओगे। इतनी बढ़िया रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जो इन बहनों को हमारे कारोबार करना है, तो भाई वो इस तरीके से केक की रेसिपी आप सीख सकते हो और सीखने के बाद आप इसको छोटा मोटा कारोबार आप घर से शुरू कर सकते हो। तो मेरा खुद का अपना रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैं खुद ऑनलाइन इसको मैं करती हूँ। लेकिन अभी केक वगैरह का मैंने काम नहीं शुरू किया है, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर फ्रेंड्स से वेज है, नॉन वेज है और मेन कोर्स ही रहता है चिकन वगैरह का। तो अभी मैं इस काम को नहीं कर सकूँ, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि बाद में मैं इसके ऑर्डर्स लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग बेकिंग सीखते रहिए, और आपको काम करने की इरादा हो तो आप काम भी कर सकते हो। बहुत ही फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही मुलायम है और इसकी एक खासियत ये भी है कि ऊपर की लेयर इसकी बहुत ही क्रिस्पी है। जिसको भी मैंने इस केक को मैंने कई बार बनाया और जिसको जिसको मैंने खिलाया सबने बहुत तारीफ़ किया। तो रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो एक कप मैदे से इतना बढ़िया केक बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ हमने 3 अंडे का यूज़ किया है। बहुत ही किफ़ायती और लो बजट में आप इस तरीके केक की रेसिपी को बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी आएगी वो हमने इसी केक से आपको डिज़र्ट बना के दिखाऊंगी, और किस तरीके से इस डिज़र्ट को आप सेल कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। मैं अपने रेस्टोरेंट में इसको डालने के लिए सोच रही हूँ। बहुत जल्दी मैं अपने मेन्यू में इसे ऐड करूँगी। डिज़र्ट की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने किलिंग रैप कर दिया। इससे क्या होगा कि केक हमारा सूखने नहीं पाएगा और बहुत ही मुलायम ये बना रहेगा।
तो फ्रेंड्स ये जो हमने केक टिन लिया था उसी में हम फटाक से सारे केक को हम इसी तरीके से रखे ले रहे हैं। आप किसी भी शॉपर में या एयर टाइट कंटेनर में इसको आप रख दीजिएगा फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिन तक ये चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकता। तो आप फ्रिज में रखेंगे तो फ्रेंड्स 7-8 दिन ये आराम से चलेगा, लेकिन अगर आप डीप फ्रीज़र में रखते हो तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स बहरहाल मुझे डीप फ्रीज़र में ही रखना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिसको भी मैं गिफ्ट करूँगी मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत तारीफ करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसे बना लीजिएगा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं रेसिपी आपके साथ अपलोड कर दूँगी जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कम से कम 1 लाइक तो कर दीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो हमारे चैनल पर ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज देखने के लिए आप विजिट ज़रूर करें। वेज फूड, नॉन वेज फूड, स्टेट फूड, इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्दी किसी बढ़िया सी रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।